हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी साथ शेयर करने जा रही हूँ हेल्दी एंड इजी वेट लॉस रेसिपी, जो कि आप सभी सब्सक्राइबर का कहना था कि आप हेल्दी और इजी कोई रेसिपी वेट लॉस के लिए लेकर आए, हेल्दी वेट लॉस के लिए, जैसे कि लंच या डिनर में आपको काम आ सके। तो मैंने जो रेसिपी मैं खुद फॉलो करती हूँ, तो मैं वही रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि वेट लॉस में बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही इजी तरीके से हमारा वेट लॉस हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या आप स्ट्रिक्टली डाइट नहीं कर रहे हैं, तो आपको मैं ये ज़रूर सजेशन दूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक हेल्दी डाइट इवन फॉलो करें, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पर जो जो न्यू सब्सक्राइबर देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके फ्रेंड। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फुल रेसिपी वॉच कर लीजिए आप सभी फ्रेंड। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी देख लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए तो देखिए, मैंने पैन में ऑयल ऐड करके इसमें करी लीव्स एंड मस्टर्ड सीड्स, दो ड्राई रेड चिल्ली और छोटा साइज का मीडियम अनियन एक, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। और इन मसालों को अच्छी तरह से हम ब्राउन होने देंगे। तो देखिए, ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। तो देखिए, मसाले अच्छी तरह से ब्राउन होने के बाद में, पकने के बाद में, मैंने इसमें मूंग दाल ऐड की हूँ। और मसाले बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है हमको, रेड चिल्ली जो पाउडर है ना, वो भी 1/2 टीस्पून ही लेना है, बाकी कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे हम। और मैंने 2 टोमेटो ऐड किया था, और ये मूंग दाल है जो कि थोड़ी सी क्लिप मिस हो गई है मुझसे, उसके लिए सॉरी। और देखिए, मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिया है इसमें। बाकी जो मेथड है सेम है, इस तरह से ही आप भी फॉलो करके बनाएं। और देखिए, मैंने कैप्सिकम ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैं मिला ले रही हूँ दाल में। तो देखिए, मैं इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि हम ये प्रेशर कुकर में दाल नहीं बना रहे हैं, हम पैन में बना रहे हैं। तो दालें कोई भी हो, थोड़ा सा टाइम लेती है कुक होने के लिए। तो मैं अच्छी तरह से एक बार और मिला ले रही हूँ पानी ऐड करने के बाद में, और मैं इसको ढक कर रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और सॉल्ट बिल्कुल अभी हमको ऐड नहीं करना है, जिससे क्या होगा, सॉल्ट हम ऐड कर देंगे तो हमारी दाल जल्दी कुक नहीं होगी, तो ये चीज़ का आप सब ध्यान रखें, सॉल्ट जो है वो लास्ट में ऐड करें। तो देखिए, 20 मिनट के बाद मैं और चेक कर ले रही हूँ, अभी हमारी जो दाल है थोड़ी और कुक होने की है, थोड़ी कच्ची दिख रही है, तो मैं कवर करके और इसको होने दूंगी 15 से 20 मिनट। बिल्कुल लो फ्लेम पर पका रही हूँ मैं। देखिए, तो हमारी दाल अच्छी तरह से कुक हो गई है, और हमारी कैप्सिकम भी देखिए अच्छी तरह से गल गई है, खड़ी खड़ी दिख रही है मतलब। और यहाँ पर आपको जितनी थिक दाल चाहिए, इतनी चाहिए तो आप इतनी रखिए, नहीं तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं लिक्विडी चाहिए तो। और मैं अब इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, एज़ पर टेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और मिला ले रही हूँ मैं एक बार फिर से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होंगी मेरी ये हेल्दी वेट लॉस रेसिपी। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और एक लाइक ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।